गुरुजी, जब से मंत्र दीक्षा लेकर के आई हूँ मन में एक अलग सी खुशी उल्लास आ गया है। मन एक अलग ही तरीके से झूम उठा है। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये आनंद का अनुभव ये आपके शुभत्व का द्योतक है। आपके ये सकारात्मक और सृजनात्मक होने का प्रमाण है। ये आपके जीवन में शुभता घुल रही है इस बात का संदेश प्रदाता है। आपका जीवन श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसारित हुआ है इस चीज की प्रत्यक्ष अनुभूति है। और ये सुखद जो श्रेष्ठ अनुभूतियाँ होती हैं, जो दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, जो आत्मिक अनुभूतियाँ होती हैं, उनकी प्रतिछाया में सुख का उदय समाहित होता है। सुख उनकी छाया में चलता ही चलता है। इसके विपरीत जैसे कोई एक किसी की कविता थी, उसका सार ये था कि मजे में लुत्फ बहुत है, मजे में उस समय कंटेम्प्रेरी टेम्प्रेरी तौर पर आपको अच्छा बहुत लगता है, लेकिन सुकून और शांति अच्छे काम को करके ही प्राप्त होती है। नकारात्मक चीजों से क्षणिक रूप से आनंद अधिक प्रतीत होता है, लेकिन शांति और सुख आत्मिक कार्यों को करने से होता है। तो चूंकि ये आत्मिक कार्य था और पहली बार आपकी आत्मा को पोषित किया गया, अभी तक आप जैसे समझ रहे हैं मेरे शब्द में, मेरी भाषा ऐसी ही है, मैं क्या करूं, तो लेकिन मैं समझता हूं, समझ तो सब लेते ही हैं। तो अभी तक आप शरीर को पोषित करते रहे हैं, ये आपकी आत्मा का पोषण है जिस पर कभी काम ही नहीं हुआ। और सबसे जो चरम सुख की प्राप्ति होती है वो आत्मिक अनुभवों से ही होती है, क्योंकि आत्मिक अनुभव परमात्मिक अनुभव का एक सूक्ष्म अंश है। परमात्मा बहुत विराट है, आत्मा सूक्ष्म है, और उस आत्मा का भी बहुत सूक्ष्म अंश ये दिव्य और सात्विक ऊर्जाएं हैं। जब आप इसको टच करते हैं, जैसे आपने अगर तवे पर उंगली रखी तो उंगली जलेगी, लेकिन यही उंगली अगर सितार पर रखी तो वो बजेगी। अगर ये आपने यही उंगली बर्फ पर रखी तो ठंडक देगी, और यही उंगली आपने मिर्च पर रखी तो कुछ और प्रतीति होगी। तो जीवन में हर कार्य की छाया में उसके गहरे सरोकार निहित होते हैं। ये आनंद और सुख की अनुभूति इसलिए हुई कि वास्तविक प्रकृति मनुष्य की यही है। मनुष्य को वास्तविक शांति का अनुभव आत्मिक अनुभवों की के स्पर्श से आ सकता है। आत्मिक अनुभूतियों की गहरी दीर्घा में आपकी संलिप्तता आपके सुख में और आनंद में दिव्यता की वृद्धि करती है। तो ये क्योंकि आपने आत्मिक सुख को भोगा, अब जब देखिए आत्मा का भी बहुत सूक्ष्म अंश, मतलब ऐसा मान के चले कि जैसे परमात्मा का एक शंखवा या एक पदमवा हिस्सा आपने हल्का सा टच किया, एक शंखवा या पदमवा, समझते हैं आप, हजार फिर लाख फिर करोड़ फिर 10 करोड़, है ना, फिर शंख फिर पदम, ऐसी चलती है गिनती, जो गणित थोड़ा सा मेरा वीक है, पर ऐसे करते हम जाते हैं आगे तक और बहुत बहुत उसके मात्राएं। तो जो सबसे अंतिम कुछ आता हो, जैसे 1000 करोड़ व अंश भी नहीं है, ये इतनी अनुभूति देता है। और अगर परमात्मिक अंश और बढ़ जाए तो, या परमात्मा ही आच्छादित हो जाए तो, या परमात्मा को ही आप घोल के पी जाए तो हर समय आप उछलते फिरेंगे हिरण के शावक की तरह, हिरण के बच्चे की तरह। आपको प्रतिपल ऐसा लगेगा कि आपके अंदर हिलोरे मारेगा, प्रेम आनंद वात्सल्य। कभी तो मन करेगा कि पूरी दुनिया के मालिक आप हैं, और कभी मन करेगा कि पूरी दुनिया किसी काम की नहीं, और कभी कभी मन करेगा आपका कि अपना शरीर भी किसी को दान कर दो, और कभी मन करेगा कि सारा संसार का सारा अस्तित्व आप ही के लिए है। तो इतना छोटा सा अनुभव जिसमें आपको बस हल्का सा, अभी रिइनकार्नेशन भी कंप्लीटली नहीं है, अभी थोड़ा दूर से आपको, आप एक स्कैनिंग दायरे में जाके खड़े हुए हैं, आप मेटल डिटेक्टर का जो फ्रेम है उसमें से गुजरे हैं बस। जिस दिन उसको पकड़ेंगे तो उस दिन तो और भी ज़्यादा अनुभव होगा आपको, जिस दिन उसको स्पर्श करेंगे छुएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि एक करोड़ के को भी लाख गुना कर दें, उसका छोटा सा अंश इतना आनंददाता है, तो परमात्मा का अतिशय प्रभाव या उनकी अतिशयता जीवन में घुल जाने वाली, वो कितना आनंद देती होगी। इसलिए जो गुरु हैं और जो संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, जो संबुद्ध गुरु हैं, वो दुनिया में मिसफिट हो जाते हैं, क्योंकि उनके सोचने का दायरा, उनके देखने का ढंग, उनके विचार करने की शैली,
इतनी विस्तारित हो जाती है कि सामान्य जन उसमें फिट नहीं हो पाते। तो कभी कभी या तो वो उनको पागल या बेवकूफ समझने लगते हैं, या कभी कभी उन्हें लगता है कि मतलब वो कुछ और ही समझते हैं, या तो दीवाना हंसे या तो जो पागल हो गया है वो हर समय मस्ती में बैठा, वो लेना देना नहीं उसको, ना भूतो ना भविष्यति, सीधे सीधे संबुद्ध है वो भी। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, इसका तेरे ऊपर तू उतर ही जाए जिसके ऊपर, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन, जबकि आपके पास हजार कारण है मुस्कुराने के। लेकिन कुछ हमने ऐसा अपने ऊपर लाद लिया है, अगर कभी बहुत सूक्ष्म ढंग से देखेंगे, बहुत गंभीरता पूर्वक देखेंगे, बहुत ध्यान से चीजों के निरीक्षण की कला आप समझ और सीख पाएंगे, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप उन बातों के लिए रंजीदा हैं, उन बातों के लिए संजीदा हैं, उन बातों के प्रति आप संबद्ध हैं, उन बातों से आप प्रति संवेदित होते हैं, उन बातों के बारे में रिएक्शन कर रहे हैं या उन बातों के बारे में एक्शन कर रहे हैं जिनका आपके जीवन, आपके अस्तित्व, आपके पूरे के पूरे प्रभाव से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी संबद्धता है ही नहीं। लेकिन हम उसको सोच के ओढ़े बैठे हैं, 10 साल बाद पता नहीं क्या होगा इसका बेटे का, 10 साल किसने देखे हैं, 10 घड़ी की कोई गारंटी नहीं। तो ये ऐसे करते करते प्रतिपल ही जो 10 साल की पूरी अवधि है इसे भी विषाद युक्त कर ले जा रहे हैं। 10 साल बाद जो होगा वो तो होगा, परमात्मा ने सब लिख रखा है क्या होगा। आप उसमें परिवर्तन कर सकते थे परमात्मा की सुरती के साथ, परमात्मा की स्मृति के साथ, उनके साथ अपने संबंध स्थापित करके, जैसे आप छोड़ रहे हैं अपने इस विषाद में विचार के साथ, क्योंकि आप सोचे बैठे हैं, संतप्त हैं प्रतिपल, आप शोक संवेदित हैं हर क्षण, तो आप उसी विचार के प्रक्षेपण में इतने बोझिल और इतने बोर या इतने डरे हुए या इतने भयभीत हो गए हैं कि जो जीवन में आनंद बिखरा पड़ा था उसको स्वाद ले ही नहीं पाए हैं। आर्याम अभयाम बायाम बजे रे रे चित सन तम आर्याम अभयाम बायाम भजे।